बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? जी मैं शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज मैं जी दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेकर आई हूँ। दोनों ही विटामिन सी सीरम हैं, दोनों ही बहुत हाई प्रोडक्ट हैं। अच्छा, इनके बहुत ज़्यादा हाइप थे इंस्टा पे, फेसबुक पे, और बहुत ही फ्रिक्वेंटली लोग इसका रिव्यू कर रहे थे। मैंने भी ये दोनों ही सीरम बाय किए और मैंने कहा चले दोनों को ट्राई करते हैं। दो डिफरेंट लोगों ने हमारे घर में ये यूज़ किए, ये वाला मैंने यूज़ किया, ये मेरी नीस ने यूज़ किया, और फिर हमने इसका ओवरऑल जो है कंक्लूजन निकाला कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है। चले जी, अब इसका डिटेल रिव्यू हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन सी के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई एडेड है। 30 ml की ये बॉटल है और ये 2000 इसकी प्राइस है। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत बॉटल है, ग्लास बॉटल है, और इसका पंप भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, इस पे जो इन्होंने क्लेम किया हुआ था कि किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है और कौन से हमारे फेस के इश्यूज़ हैं जो ख़त्म होते हैं इससे, उसमें ये था कि आपके फेस पे अगर जो एक्ने के बाद स्कार्स होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं, एक सटल सा ग्लो देता है ये आपकी स्किन को, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ये आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा पिगमेंटेशन के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कहा गया है, ठीक है। स्किन को ब्राइटन अप करता है और बहुत जल्दी जो है ना स्किन में आपकी ऑब्जर्व हो जाता है और मॉइस्चर को आपकी स्किन में लॉक कर देता है। अच्छा, हेलोरॉनिक एसिड ऐड है, तो इसको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इसका यूज़ कैसे होता है, ये जी इसका पंप यहाँ से हमने हटाया स्किन पे, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी, बड़ी वाटरी सी कंसिस्टेंसी, और कलर आप इसका देख लें, ऑफ वाइट साइज का बॉटल में ऐसे नज़र आ रहा है, वैसे ये ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा जेल टाइप है, बिल्कुल वाटरी नहीं है, ठीक है। हमने इसको कैसे यूज़ किया ये आप बॉटल देख सकते हैं कि हाफ से थोड़ी सी भी कम है ये आफ्टर 1 month यूज़ मैंने इसका आपको रिव्यू दे रही हूँ। उसको हमने नाइट में यूज़ किया, और ये चूंकि हाइलुरोनिक एसिड इसमें ऐड है ना, तो आप इसको वेट फेस में यूज़ करते हैं रात को, और फिर उसके बाद आप ये जब लगा लें तो थोड़ी देर बाद आपने इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, क्योंकि जिस चीज़ में भी हाइलुरोनिक एसिड ऐड हो जाता है वो स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली होता है जी आपके स्किन पर जितने भी फाइन लाइन्स वगैरह होती हैं उनको ये कवर करता है। वैसे तो इसके यूज़ में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को इससे ये शिकायत होती है कि ये कुछ दिन लिया जाता है और उसके बाद यूज़ करने के बाद ये येलो सा हो जाता है, लेकिन हमारी बॉटल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कलर इसका एज इट इज़ ही रहा। अच्छा, इसमें जो बहुत ज़्यादा इन्होंने क्लेम किए हुए हैं कि ये आपके स्कार्स को फेड कर देता है, ब्राइटन अप करता है, ब्राइटन अप ऐसे ही स्किन को कर देता है कि जैसे आप अगर अपनी स्किन पे लगाते हैं तो अन ईवन जो स्किन टोन होती है वो इससे बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है और वो ईवन हो जाती है। टीनेजर्स गर्ल्स यूज़ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और विटामिन सी आपकी स्किन को वैसे ही ब्राइटन अप कर देता है किसी भी किस्म का आप अगर यूज़ करते हैं तो, उस तरह तो इसमें कोई भी इसके प्रोज नहीं है। और इसको लगाने के बाद ना आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाता है, और जैसे आप लगाते हैं तब भी ग्लो आ जाता है, और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो तब भी स्किन ज़रा ग्लोई ग्लोई लग रही होती है। लेकिन जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है ना हाइपर पिगमेंटेशन का, वो इतना ज़्यादा क्लेम इनका 100% सही नहीं है। ये 50-60% आपकी जो पिगमेंटेशन होती है फेस पे, जो ज़रा सी लाइट पिगमेंटेशन है उसको थोड़ा सा रिमूव तो नहीं करेंगे, लाइटर कर देता है, लेकिन रिमूव टोटली इससे नहीं होती है। ओवरऑल प्राइस वाइज ये 2000 का है, और उस लिहाज से ये अच्छी खासा इसकी बॉटल चलती है, 2 months तो ये चलती है, और इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बाय करें, लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी स्किन पर इससे नहीं आता है। लेकिन इट्स गुड क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, और आप अपनी स्किन के पीएच लेवल को अगर बैलेंस रखना चाहते हैं, स्किन को एक सटल ग्लो देना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। अदरवाइज जो बहुत ज्यादा जिनके स्किन पे इश्यूज हैं वो इससे खत्म नहीं होते हैं। चलें जी, ये तो हो गया जी इसका रिव्यू। अब विंसी का विटामिन सी का रिव्यू मैं दूंगी। ये मैं इसकी 2 bottles ख़त्म कर चुकी थी क्योंकि मुझे हाइपर पिगमेंटेशन का इशू था और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी कि ये सारे इश्यूज जो है ना हमारे रिजॉल्व कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ठीक है। और ये जो है वो, ये भी 30 ml की बॉटल है लेकिन ये प्लास्टिक बॉटल है, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है ना इसी तरह की ब्राउन बॉटल में होना चाहिए, अदरवाइज ये अपना कलर चेंज कर देता है। तो ये बॉटल वाइज, पैकेज वाइज तो ये ठीक है, और ये है तो प्लास्टिक लेकिन ये ब्राउन बॉटल है। और थोड़ा सा इसमें ग्रेपफ्रूट एक्सट्रैक्ट भी इन्होंने ऐड किया हुआ है, हलरोनिक एसिड भी इसमें है। अच्छा, इससे जो मेरी स्किन पे फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जितनी भी फाइन लाइन्स होती है आपकी स्किन पे या स्किन डलनेस की तरफ जा रही होती है, वो डलनेस मेरी स्किन से रिमूव हो गई, स्किन में एक फ्रेश लुक आई। और जो मेरा अपना कम्प्लेक्शन था जो नॉर्मल सा है, ना बहुत फेयर टोन की तरफ है ना बिल्कुल ही मेरा डल की तरफ है, नॉर्मल कम्प्लेक्शन, उसको थोड़ा सा एनहेंस किया इसने। और जो हमारी स्किन पे टायर्डनेस होती है और इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, थोड़े से इसे रिजॉल्व हुए, लेकिन ये भी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए नहीं है। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा क्लेम किया हुआ है कि मैंने बहुत सारी वीडियोज ऐसी देखी जिसमें था कि आपके फेस पे जो बड़े बड़े से पैचेज है पिगमेंटेशन के वो रिमूव करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, दोनों प्रोडक्ट्स मैंने खुद बाय किए, किसी किस्म का पीआर नहीं है ये, तो इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप विटामिन सी यूज करना चाहते हैं जो कि आपकी स्किन को डलनेस से बचाता है और थोड़ा फ्रेश लुक देता है, तो आप जरूर यूज करें। लेकिन ये दोनों जो है विटामिन सी सीरम आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव नहीं करते हैं। और इसकी प्राइस भी आई थिंक 1700 है, प्राइस वाइज दोनों सेम ही हैं, इनकी क्वांटिटी भी सेम है, और बस ये है कि ये ऑर्गेनिक है और ये जो है वो दूसरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आ जाता है। विंसी की प्रोडक्ट्स मैंने और भी यूज की हुई, अच्छी होती हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मेरा फिनिश है, इस तरह ये नहीं निकलेगा, तो मैं आपको इसका कलर बता देती हूँ। थोड़ा सा ब्राउनिश इसका कलर है, इस तरह आप रात को वेट फेस पे इसको लगाएंगे, उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, इसके से मॉइस्चराइजर लगाने से मॉइस्चर आपकी स्किन में लॉक हो जाता है, और पूरी रात के बाद जब आप सुबह देखते हैं तो स्किन ब्राइटन अप हुई होती है, ये होता है इन दोनों के लगाने से। तो ये है कि आप कोई प्रोडक्ट ना लगाए, ऐसे ही स्किन को रहने दें, उससे मच बेटर है कि आप इस तरह की कोई ना कोई प्रोडक्ट ले लें जो आपकी स्किन पे जो बहुत ही माइनर इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व कर दें। ये है था जी मेरा इन दोनों के बारे में रिव्यू। आप बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय करें, लेकिन बहुत ज़्यादा जिनकी स्किन पे इश्यूज हैं वो इससे रिजॉल्व नहीं होते। चले जी, अब हम यहीं पर अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी ने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हम मैं डेली एक वीडियो आपके लिए लाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।